बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं कब बोलता हूँ जी, परदेशियों के सर पर एक और बम गिरा दिया गया है। और ये दो मोबाइल हैं जी, मैंने दोनों ऑन किए हुए हैं। मैं यहाँ पर दोनों मोबाइल्स के ऊपर डिटेल निकाल कर बैठा हूँ इस चीज़ की, आपके साथ यहाँ पर आपको साथ में शो भी करवा दूँगा, मुकम्मल तफसील बता भी दूँगा। आपको पता है पहले फाइलर नॉन फाइलर का मसला चला। आप किसी भी बिरौने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो फाइलर हों, वरना आप सफ़र नहीं कर सकते। और पहले वो PTA अप्रूव्ड मोबाइल, यानी कि इस इनका तो मसला पहले ही चल रहा था। अभी उसमें उस टैक्स में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर पहले किसी का टैक्स 15,000 था, अभी हो सकता है उसको 35,000 इससे भी ज़ायद देना पड़ जाए जी। 1,00,000 के पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो बाकी लग्जरी किस्म के मोबाइल, उनके ऊपर जी टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया गया है। यार जब भी कोई परदेसी आता है पाकिस्तान, हम जाते हैं तो हमारे पास मिसाल के तौर पर लग्जरी मोबाइल से मुराद यही है ना कि आपके पास कोई अच्छा सैमसंग का मोबाइल या आईफोन का मोबाइल, तो परदेसियों के पास अक्सर वही होता है। तो उसके ऊपर भाई टैक्स अगर पहले 15 था, अभी आपको 35-40 देना पड़ सकता है। बहर अल्लाह हाफज जी परदेसियों को, और चलते हैं इस खबर की तरफ। और टैक्स पर टैक्स लगे जा रहे हैं, हालांकि हम यहां से कमाते हैं और पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ को और गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स देते हैं। और आपको पता है वो जो सैलरी बेस के तौर पर 1,00,000 के पीछे भी 2,500 रुपये टैक्स, और 1,50,000 के पीछे तकरीबन गालबन 10,000 के अराउंड में टैक्स शो करवा दिया गया है। और अब जब आप फाइलर होंगे तो आपका पूरा कट्टा छट्टा FBI के पास होगा, और वो जब जितने भी आप पैसे भेजेंगे उस हिसाब से अपना टैक्स काटेंगे। अभी ये न्यूज़ है जी, एक आप सऊदीया से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको ये नया टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं जी, मैं इकॉनमी टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। अभी किन को देना होगा, कैसे देना होगा, कितना देना होगा, मैं आपको तफसील बताता हूँ। मैं आपको ना पहले शायद साथ में कुछ टिकटों का रेट बता रहा हूँ मैं। इस ऊपर वाली साइड पर तो एमरेट्स है जी, एमरेट्स की तो छोड़ दें, 2,30,000 के अराउंड में टिकट दे रही है ये लाहौर टू जिद्दा। और ये वन वे की मैं बात कर रहा हूँ, एक साइड की, दोनों तरफ की नहीं कर रहा। बेस्ट वैल्यू में नीचे है जजीरा वालों की 77,944, यानी कि 78,000 में। इसके नीचे है चीपेस्ट, और इसमें है जी फ्लाई नास तकरीबन 76,400, एंड नीचे है जी सरीन एयरलाइन जो कि 1,00,000 तकरीबन 13,000, और नीचे फ्लाई नास है जी फिर 90,000, एंड गुल्फ एयर है जी 94,000। ठीक है जी, ये तो टिकटों का रेट है। इससे आगे भी मज़ीद मैं तफसील निकाल बैठा हूँ आपको, वो बात हमारी फिर बढ़ती जाएगी। अब अच्छा ये टिकटों का रेट आपको क्यों बता रहा था मैं, सुन लें। मिसाल के तौर पर अभी हमें पहले अगर एक टिकट मिल रही थी, हम सऊदी से लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से सऊदी लेकर जा रहे हैं 1,00,000 के अराउंड में, तो उसके ऊपर 12,500 अलग से लग जाएगा, लेकिन इसमें भी इजाफा होगा, इससे भी ज़ायद लगेंगे। कैसे, सुन लें। आप कोई भी किसी किस्म की 1 जुलाई से कैनेडा अमेरिका वगैरह का टिकट लेते हैं तो इसके ऊपर है 1,00,000 रुपये तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम चलते हैं सऊदी, दुबई, मस्कत, कुवैत, कतर, ओमान, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ। अच्छा जी, बहरहाल इनकी तरफ भी अगर जाएं तो जिनमें दुबई, सऊदी वगैरह ये सभी शामिल हैं, और इसमें भी आपको बिजनेस क्लास के ऊपर 30,000 रुपये, पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, 30,000 रुपये पाकिस्तानी ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ये बिजनेस क्लास की मैंने बात की है, अगर मिसाल के तौर पर आप इकॉनमी क्लास की टिकट लेते हैं, इकॉनमी क्लास में टिकट ज़्यादातर हम लेते हैं। मैं भी लास्ट टाइम जब गया था तो इकॉनमी क्लास की टिकट थी, आपके साथ मैंने मुकम्मल वीडियो शेयर की हुई है। अच्छा बहरहाल आपने इकॉनमी क्लास की टिकट लेनी है, अक्सर हम वही लेते हैं, वो आपको भाई जहाज़ के मिड में मिल जाए, थोड़ा पीछे मिल जाए, या थोड़ा फ्रंट साइड पर, लेकिन बिजनेस क्लास से पीछे ही आप हम रहेंगे। तो इकॉनमी क्लास के ऊपर भी 12,500 रुपये टैक्स देना होगा, यानी कि अगर 1,00,000 की हम टिकट लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो इसके ऊपर 12,500, यानी कि 1,12,500 की हमें टिकट मिलेगी, 12,500 हमें इस चीज़ का भी अभी टैक्स देना होगा कि आपने टिकट लेकर हवाई जहाज़ की सफ़र करना है, इसके ऊपर इतना टैक्स निकाल दें। हालांकि टैक्स तो पहले से भी अलाउ है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद अच्छा खासा इजाफा बोल दें आप कर दिया गया है।